हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस के बारे में बात करेंगे वो है जूते चप्पल का स्टोर। जी हाँ दोस्तों, आप जूते चप्पल का स्टोर खोलकर भी महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो और बहुत सारे लोग इस काम को शुरू करके अच्छे खासे महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। दोस्तों आज हम इसी बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कैसे इसको शुरू करना है और कितनी इसमें लागत आएगी और कैसे कैसे कहां से आप इसका माल ले सकते हो, उसके बारे में भी आज हम सभी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों अगर मैं इस बिजनेस के लिए सबसे पहले बात करूंगी कि आपको माल कहां से लेना, देखो अगर आपको हवाई चप्पल चाहिए, जो चौड़ी पट्टी में हवाई चप्पल आती है, वो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हवाई चप्पल किसी भी तरीके की हो, लेडीज हो गई, जेंट्स हो गई, बच्चों की हो गई, तो आप वो मुझसे भी ले सकते हो। या फिर एक मार्केट है दिल्ली में इन लोग, जहां पर बहुत सारी हवाई चप्पल मिलती है, सस्ती से सस्ती और महंगे से महंगी, और भी बहुत सारा हवाई चप्पल या चप्पल से रिलेटेड या जूतों से रिलेटेड सभी माल वहां पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी था कि आपको माल कहां से लेना है, तो माल मैंने बता दिया, तो आप मेरे से खरीद सकते हो या फिर आप इंद्रलोक दिल्ली में जो इंद्रलोक मार्केट है वहां पर, चप्पल जूते की सबसे बड़ी मार्केट है, आप वहां से होलसेल रेट पर जूते चप्पल खरीद सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, कितना आपको इन्वेस्ट करना होगा। देखो अगर आप जूते चप्पल का स्टोर शुरू करते हैं तो आपको सभी तरीके के जूते चप्पल रखने पड़ेंगे, जिसमें फैंसी भी हो गए और लोकल भी हो गए और अच्छी क्वालिटी के भी, कंपनी के भी हो गए, ब्रांडेड भी हो गए और डिजाइनर भी हो गए, हर तरीके के जूते चप्पल, सैंडल या चमड़े के जूते, जो भी जिस प्रकार के भी लोफर वगैरह आते हैं वो सब आपको अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा, जिससे कि कस्टमर जब भी आपके पास आए तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाए और रिटर्न ना जाए। तो अगर मैं यहाँ पर खर्चे की बात करूँ तो यहाँ पर 2 से 3 लाख रुपए का आपका स्टार्टिंग में खर्चा आ जाएगा छोटी सी दुकान को भी चलाने के लिए। उसके बाद जब आपकी कमाई शुरू हो जाएगी तब आगे आप धीरे धीरे माल बढ़ाते चले जाइएगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता चलेगा, साथ में आपका प्रॉफिट भी इसके साथ बढ़ता चला जाएगा। तो आप जब भी आगे आगे इस काम को बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी आपका उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में अगर मैं आगे बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट का मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बता देता हूं अपने अकॉर्डिंग। देखो हम एक चप्पल आपको देते हैं 60 रुपए में, वो आप बेचते हो 100 रुपए में, यानी कि आपने एक जोड़ी चप्पल पे 40 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो आप समझ सकते हो कि आपका हर चीज पे लगभग डबल का प्रॉफिट है। अगर आप 300 रुपए का जूता लाते हो तो आप 500 से 600 रुपए के बीच में उसको सेल कर सकते हो। आप कोई भी चीज लाओ आप 40% का मार्जिन प्रॉफिट इसमें ले सकते हो, तो इससे आपकी कमाई बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। सपोज करो अगर आपने मेरी ही दी हुई चप्पलें 60 रुपए में अगर आप चप्पलें लेते हो और वो आप दिन की 20 जोड़ी चप्पल सेल कर देते हो तो आपके 800 रुपए इसी चीज के बन जाते हैं। और आराम से एक दुकान पर अगर आपकी दुकान अच्छी जगह है, भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो 20 जोड़ी चप्पल आराम से बिक जाती है। बाकी आइटम और भी रह गए, जूते चप्पल हो गए, सैंडल हो गई और फैंसी जो लेडीज की आइटम होते हैं वो भी आप सेल करके अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। डेली का आराम से आप 1000 से 2000 3000 रुपए प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोकेशन की। देखो लोग किसी भी दुकान को चलाने के लिए, किसी भी स्टोर को चलाने के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोग आप जानते होंगे। तो लोकेशन आपके दुकान की ऐसी होनी चाहिए जहां पर भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो, मार्केट लगती हो, या फिर ऐसी जगह दुकान हो जहां पर लोगों का आना जाना लगा रहता हो। तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन का ध्यान रखें और ऐसी ही लोकेशन चुने जहां पर आपकी सेल्स ज्यादा हो सके। अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग आपको कैसे करना है, यानी सेल्स आपको कैसे करने। देखो आप एक दूसरे को बता के भी सेल करवा सकते हो, अपनी दुकान के सामने बोर्ड लगाकर, अच्छा खासा बड़ा बोर्ड लगाकर भी आप प्रचार कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। साथ में आप आसपास के एरिया में पैम्पलेट भी छपवा कर बटवा सकते हो कि जूते चप्पल अगर आपको खरीदने हैं तो यहाँ से खरीद सकते हो सस्ते रेट पर। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हो। साथ में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाकर भी, अपना एक पेज बनाकर भी वहां से भी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो और कस्टमर अर्न कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। देखो सबसे जरूरी है अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हो तो सबसे जरूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दुकान के नाम से, स्टोर के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा ले, जिससे कि आपका जब भी जीएसटी पे बिल आए तो उसे आप अपने अकाउंट में ले सके। तो दोस्तों ये था जूते चप्पल का स्टोर, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं वीडियो बार बार, अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज के बारे में आपको बता रहे हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटी का बटन दिया गया उसको दबाकर आल सेलेक्ट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव वीडियो कैसी लगी
तब भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने यार दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम जहां भी आपको मौका मिले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।